नमस्कार दोस्तों, ओनली रियल स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय टीम जब इंग्लैंड पहुंची थी उस वक्त विजय शंकर चौथे नंबर के खिलाड़ी बनकर आए थे। तभी टीम के अंदर खुशफुसार शुरू हो गई थी कि अंबाती रायडू का क्या कसूर था, लेकिन किसी भी सदस्य ने इसका विरोध करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि सबको पता था कि जो विरोध करेगा उसे कभी न कभी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगर भारतीय टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से इतनी बुरी तरह से हारकर बाहर हुई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली की एक तरफा सोच है, जो वे टीम पर थोपते हैं और डर की वजह से कोई उनका विरोध नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति यानी COA के प्रमुख विनोद राय कोहली को बहुत पसंद करते हैं। BCCI के तीनों पदाधिकारियों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वे टीम के मसले पर कुछ बोले, और भारतीय चयनकर्ताओं की तो बात ही निराली है। उसके मुखिया MSK प्रसाद किसी भी कीमत पर शास्त्री और विराट का विरोध नहीं कर सकते। और दोस्तों, यही वजह है कि चाहे चैंपियन ट्रॉफी की हार के बाद लीजेंड अनिल कुंबले का विराट से मतभेदों की वजह से मुख्य कोच पद को छोड़ना हो, या दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में 1-2 की पराजय हो, या फिर इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-4 की हार। विनोद राय से जब भी मीडिया ने पूछा तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कदम उठाने की बात कही, लेकिन ये इतिहास है कि उन्होंने कभी भी एक्शन नहीं लिया। अगर समय पर एक्शन लिया जाता तो टीम में हिटलर साहिब पर लगाम लग सकती थी और शायद टीम इंडिया सेमीफाइनल में इतना बुरी तरह से हार कर बाहर नहीं होती। दोस्तों, भारतीय टीम में वही खिलाड़ी खेलते हैं जो पसंद के होते हैं या फिर जिनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर होता है, जैसे रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। क्योंकि भारतीय टीम में इस समय दो धड़े हैं, एक धड़ा उप कप्तान रोहित के साथ है तो दूसरा विराट के साथ। हालांकि ये अच्छी बात है कि यह बंटवारा अभी विरोध के स्तर तक नहीं पहुंचा है। विश्व कप के दौरान एक भारतीय खिलाड़ी ने हमें बताया था कि KL राहुल चाहे जितना खराब प्रदर्शन करे, उन्हें मौका तब तक दिया जाएगा तब तक वे वापसी ना कर लें। अगर ओपनिंग में मौका होगा तो उन्हें वहां इस्तेमाल किया जाएगा, अगर चौथे नंबर पर मौका होगा तो उन्हें वहां जगह दी जाएगी, अगर नहीं मौका मिला तो अंतिम 15 में तो वो रहेंगे ही। और दोस्तों, यही नहीं, कुलदीप यादव और युजवेंद्र सिंह चहल में कोई भी खराब प्रदर्शन करे अंतिम एकादश में बाहर कुलदीप ही होंगे, क्योंकि चहल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में विराट की कप्तानी में खेलते हैं। दोस्तों, 2015 में विश्व कप के बाद भारतीय टीम चौथे नंबर के बल्लेबाज की खोज कर रही थी जो अंबाती रायडू पर आकर पूरी हुई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में 3 फरवरी को भारत के 4 विकेट 18 रन पर गिर गए थे। चौथे नंबर पर उतरे अंबाती रायडू ने 113 गेंदों पर 90 रनों की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई थी। जहां ट्रेंट बोल्ट सहित न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की गेंदें भयंकर स्विंग कर रही थी, उस वक्त मैच में रायडू ने 8 चौके और 4 छक्के मारे थे। उसी न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में भारत के 3 विकेट 5 रन पर गिरा दिए थे, लेकिन उस वक्त टीम के पास रायडू नहीं थे और नतीजा आपके सामने है। IPL से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया भारत के दौरे पर आई और रायडू शुरुआती 3 मैचों में 13-18 और 2 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें अगले 2 मैचों में नहीं खिलाया गया। जिस 4 नंबर के लिए रायडू को चुना गया था उसे 3 मैचों के खराब प्रदर्शन की वजह से टीम से बाहर कर दिया और विजय शंकर को टीम में ले लिया। हालांकि भारतीय टीम के हमारे सूत्र बताते कि रायडू को बाहर होना ही था, बस उनके खराब प्रदर्शन का इंतजार हो रहा था। कप्तान को रायडू कभी पसंद नहीं थे, इसलिए उनके टीम चयन के बाद 3D चश्मे वाला कमेंट किया गया था। यही नहीं, जब शिखर धवन और जयशंकर चोटिल हुए और ब्रेकअप में होने के बाद भी उनका चयन नहीं हुआ, उसने खुन्नस में संन्यास ले लिया। उसे पता था कि अब उसका चयन नहीं होना, इसलिए गिड़गिड़ाने का क्या फायदा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।